देखिए फ्रेंड्स कितने यम्मी और टेस्टी मैंने फिंगर्स बनाए हैं, बहुत ही डिलीशियस माउथ वाटरिंग है ये। आप इसको टी टाइम में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, टिफिन में भी लेके जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये मैंने लेफ्ट ओवर राइस से बनाए हैं, लेफ्ट ओवर राइस फिंगर्स की रेसिपी है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर राइस की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है और बच्चों के बहुत फेवरेट है। आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर राइस से फिंगर्स की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 2 कप लेफ्ट ओवर राइस लिए हैं। 1 मैंने मीडियम साइज का कांदा लिया है जिसको बारीक काट लिया है। हरा धनिया लिया है थोड़ा सा। 5-6 कड़ी पत्ता लिए है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्ची ली है उसको भी बारीक काट लिया है। और मैंने अदरक और लहसुन को ग्रेट कर लिया है, ये हमको 1 स्पून चाहिए। और ये मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर लिया है 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है 1/4 चम्मच, गरम मसाला भी है 1/4 चम्मच, नमक लेंगे टेस्ट के अनुसार। और मैंने 1/4 चम्मच हींग ली है और ये है धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। चिल्ली पाउडर आपके हिसाब से डालिए, अगर आप कम ज्यादा तेज खाते हैं उस हिसाब से, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी ऐड की है। और मैंने 1 बाउल भर के बेसन लिया है, ग्राम फ्लोर। आपके पास अगर राइस फ्लोर है तो आप राइस फ्लोर भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, जिससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये फिंगर्स। और बेसन भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चावल का आटा नहीं है तो आप खाली बेसन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चावल में सबसे पहले सारे मसाले ऐड कर लेंगे। कांदा, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन, हरा धनिया और बेसन डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे दबा दबा के। तो ये चावल अपने आप ही बाइंड होने का स्टार्ट हो जाएंगे बेसन के साथ में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम में हम नमक मिर्ची जो भी हमको कम ज्यादा लग रहा है उस हिसाब से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसका डो जैसा बना लेते हैं। ये हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है और अभी हम हाथ में ऑयल ले लेंगे, क्योंकि ये राइस है तो चिपक सकता है हमारे हाथ में। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके फिंगर्स बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हम फिंगर्स बना लेंगे और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे सारे फिंगर्स बनके तैयार हो गए हैं, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इसको डीप फ्राई करेंगे। ये हमारा तेल भी गर्म हो गया है, इसको हमको मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। एक एक करके डाल देंगे। इसी तरीके से सारे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। अच्छे से इसको क्रिस्पी फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे फिंगर्स अच्छे से पक गए हैं, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और क्रिस्पी भी हो गए हैं। ये देखिए अब इसको निकाल लेते हैं और बाकी के भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बाकी के भी फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए हमारे सारे फिंगर्स फ्राई हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही यम्मी लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी भी है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है। आप इसको बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप इसको टोमेटो सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स कितना यम्मी टेस्टी फिंगर्स बन गए हमारे। आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपके लेफ्ट ओवर राइस के फिंगर्स की रेसिपी कैसी बनी है। बहुत ही डिलीशियस टेस्टी बनते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिए इसको एक बार। लेफ्ट ओवर राइस के फिंगर्स की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।